Genesis TV, God is our creator. बेटी रुल कुदस के नाम से आमीन। जेनेसिस टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मैं दिल की अथागराइयों से एक दफ़ा फिर सच्चे परस्तार के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि प्यारा खुदावंद आपके ख़ानदानों को, आपके घरानों को बरकत दे, आप सब को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। नाज़रीन, जिस तरह कलाम मुक़दस में लिखा है कि खुदा अपने लिए सच्चे परस्तार चाहता है जो रूह और सच्चाई के साथ खुदावन की परस्तिश करें। आज मैं आप सब की मुलाकात ऐसे ही सच्चे परस्तारों से कराना चाहता हूं जो गुज़श्ता कई सालों से अपनी आवाज़ों के साथ, खूबसूरत साजों के साथ खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। मेरी मुराद सलीम रज़ा साहिब से है जो कि गुज़श्ता 40 साल से फ़न मौसीकी से वाबस्ता हैं और वो तकरीबन 20-25 साल से सेक्रेट हार्ट चर्च में वेस्टिज में बतौर क्वायर में मौसीकार की हैसियत से अपनी खिदमात को सरंजाम दे रहे हैं और बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़े मसम्मम इरादे के साथ और बड़े सच्चे दिल के साथ वो अपने साजों के साथ, आवाज़ों के साथ खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं मास्टर सलीम आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। और उनके साथ उनके साहबजादे हैं शहरी रज़ा, जो कि बचपन से ही उसको ये विरासत से ये मौसीकी मिली है, यानी उनके वालिद साहब मौसीकी से लगाव रखते हैं और विरासत से ही उनको मौसीकी मिली और वो बचपन से ही मौसीकी से लगाव रखते हुए इतना खुदा ने उनको बरकत दी है, उनकी आवाज़ को बरकत दी है और ना सिर्फ वो अच्छा गाते हैं बल्कि बहुत अच्छा बजाते भी हैं। तो मैं उनके बेटे शहरी रज़ा को आज के सच्चे प्रसार प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं और मैं बताता चलूं कि उन्होंने जो 2017 में मसीही आइडल पाकिस्तान में हुआ था उसमें उन्होंने सेकेंड पोजिशन ली और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है अपनी आवाज़ का जादू जगाया। तो शहरी, मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। और उनके साथ आज हमारे साथ जो तबले पर संगत करेंगे हमारे भाई जवेद रज़ा हैं और भाई जवेद रज़ा जो है बहुत अच्छे तबला नवाज़ हैं और जब वो तबला बजाते हैं और जब वो अपने हाथों को तबले पर रखते हैं तो तबला बहुत ही अच्छी सुरें जो है वो देता है और वो तकरीबन 25 साल से तबला बजा रहे हैं और इस तबले के ज़रिया से वो बहुत सी जो अच्छे अच्छे गुलूकार हैं उनके साथ उन्होंने अपने फ़न को मनवाया है और इसके ज़रिया से ये तबला उनकी पहचान बना है और बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं। तो हम भाई जवेद रज़ा आपको भी आज की इस नशिस्त में, सच्चे प्रस्तार में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं आज आप सब के लिए जितने भी गुलूकार हैं पाकिस्तान में, जितने भी मसीही गुलूकार हैं और खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि
अभी बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है, हमारी नई जनरेशन जो है वो रोज़ बरोज़ तरह तरह और नए नए गीतों के ज़रिया से, साज़ों के ज़रिया से, आवाज़ों के ज़रिया से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। तो आज हम मौसीकी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, खुदावन की प्रस्तुति करेंगे, और भाई सलीम से, उनके बेटे शहरी से आज खूबसूरत गीत सुनेंगे, रूह से भरपूर गीत, शफा से भरपूर गीत, और खुदा के रहम से भरपूर गीत जो है वो सुनेंगे। और यकीनन मेरा ईमान है कि आज जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को देखने से और गीत सुनने से आपको, आपके ख़ानदान को बरकत मिलेगी। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ आप सब के लिए भाई सलीम से। तो नाज़रीन आए हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सलीम रज़ा साहब, खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत दी है और आपके ख़ानदान को बरकत दी है। ना सिर्फ आप खुद मौसीकी से लगाव रखते हैं बल्कि आपके बेटे भी जो हैं इस मौसीकी में और खुदा की परस्तिश में रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने अपने इस सफ़र का आगाज़ किस तरह किया, यानी मौसीकी का शौक़ आपको शुरू से था या जब बड़े हुए तो तब आपने शुरू किया, ये कैसे आपने ये सफ़र शुरू किया? सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप लोग हमारे गरीब खाने पे आए, और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि मुझे म्यूज़िक का शौक़ शुरू ही से था और मेरा दिल करता था कि म्यूज़िक बजाऊँ। फिर मैंने, मेरे टीचर थे एक गुलजार हुसैन उर्फ गुल्ला अकॉर्डियन नवाज़, फिर मैंने उनसे बकायदा तालीम हासिल की, फिर मैं प्रैक्टिस करता रहा, फिर खुदावंद ने मेरी बड़ी रहनुमाई की, मदद की, फिर मैं आस्ता आस्ता काम करने लग पड़ा। फिर मैंने इसमें ICG गर्ल्स कॉलेज में ड्यूटी की एज ए म्यूज़िक टीचर, उसके बाद फिर मैंने सेंट हेलन में ड्यूटी की एज ए म्यूज़िक टीचर। इस तरह से मुख्तलिफ कॉलेजों में मैं शो और काम करता रहा, खुदावंद का लाख लाख शुक्र है। फिर उसके बाद मैंने अभी SLS में जॉब कर रहा हूँ म्यूज़िक टीचर का, और बच्चों को सिखा रहा हूँ, और बस इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 18-20 साल से क्वायर अपना वेस्टरी चर्च में उनके साथ काम कर रहा हूँ, अभी तक काम कर रहा हूँ जी। क्वायर को मैं लीड करता हूँ, हारमोनियम सिंगिंग, तो खुदावंद के फजल से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, और कभी प्रैक्टिस में मिस नहीं हुआ, कभी शो में किसी में मिस नहीं हुआ। जो भी चर्च के जितने भी शो होते हैं उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। ये खुदावंद की ख़ास ब्लेसिंग है, ख़ास मेहरबानी है, बस मैं इस लायक नहीं है, सब खुदावंद की मेहरबानी है। खुदावंद का शुक्र हो कि बस मुझे वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावंद तेरी तारीफ हो। अच्छा, मौसीकी जो है वो रूह की गज़ा है, म्यूज़िक रूह की गज़ा है, तो बिल्कुल। जब आप खुदा के घर में खुदा उनकी परस्तिश करते हैं, जब आप बजाते हैं खुदा उनके घर में, तो आपको क्या बरकत मिलती है, आपके ख़ानदान को क्या बरकत मिली है? मुझे ये बरकत मिली है कि मैं आपको एक मौजज़ा बताना चाहूँगा कि मुझे हार्ट अटैक 2017 में हुआ जी। तो मुझे खुदावंद की मेहरबानी से मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मुझे स्टंट डला हुआ है, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई तकलीफ़ है। मैं उसी लगन से चर्च जाता हूँ, उसी लगन से मैं चर्च में काम करता हूँ, और खुदावंद की मेहरबानी मुझ पर ख़ास है। ये वो यही वजह है कि मैं खुदावंद के लिए टाइम निकालता हूँ और खुदावंद की खिदमत करता हूँ, और हम इस लायक नहीं हैं, खुदावंद की मेहरबानी है, बस ये खुदावंद की निगाह करम है कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने ये कितनी खूबसूरत गवाही सुनी है कि हमारे भाई सलीम जो हैं वो सीक्रेट हार्ट चर्च में बकायदा जो है वो क्वायर में हर इतवार के रोज़ या कोई भी बाती प्रोग्राम हो तो उसमें बजाते भी हैं, गाते भी हैं, और किस तरह खुदा ने उनके हार्ट अटैक के दौरान जो है उनकी हिफाजत की, उनको ताकत और कुव्वत बख्शी ताकि वो इस काम के ज़रिया से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। तो आए हम एक खूबसूरत गीत जो है उनसे सुनते हैं ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले,
और उनकी आवाज़ से, उनके बजाने से हम खुदाम की परस्तिश में आगे बढ़ते हैं। तो आए हम उनकी खूबसूरत आवाज़ जो है में एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। Thank you.
नाज़रीन, अभी हमने कितना खूबसूरत गीत जो है वो सुना है, आबे हयात सबको पिलाता है अल मसीह। मेरे अजीज़ो, खुदाम यसु मसीह की ज़ात हम सब के लिए मशरा है। खुदाम यसु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, जो मुझसे पिएगा उसमें से ज़िंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। बेशक खुदाम यसु मसीह ज़िंदगी का सर चश्मा है। तो अभी हमारे भाई सलीम ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाया और उन्होंने अपनी आवाज़ से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गीत पसंद आया होगा।
कलाम है मेरी हमेशा दीर तेरा कलाम है मेरी हमेशा दीरा तेरी शहादत का तो मेरा दिल है खुश रहेगा तेरी शहादत का तो मेरा दिल है खुश रहेगा तेरी शहादत का तो मेरा दिल है खुश रहेगा जराज है मेरे पहरा नहीं कलाम तेरा जराज है मेरे पहरा नहीं कलाम तेरा के मेरे राह दे विच्चों रोशनी गलदा जराज है मेरे पहरा नहीं कलाम तेरा चरार है मेरे पहरा नहीं कलाम तेरा चरार है मेरे पहरा नहीं कलाम तेरा। तो आए हम अपनी गुफ्तगू का को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने भाई शहरी रज़ा से बात करते हैं। शहरी, आप बचपन से ही खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं और प्रस्तिश में भी आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इवेंट में भी जो चर्च से मुतलका है आप जाते हैं, गाते हैं। तो बतौर गुलूकार आपको कैसा लगता है इस फील्ड में आके? मसीह में आप सबको सलाम। और मेरा नाम शहरी रज़ा है और मैं SLS स्कूल में जॉब करता हूँ म्यूज़िक टीचर। और इसके अलावा मैं चर्च क्वायर का मेंबर भी हूँ और चर्च क्वायर को लीड भी करता हूँ। इसके अलावा मैं सिंगिंग और काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी मैं हिस्सा लेता हूँ। तो शहरी भाई, आपको मसीकी से लगाव कैसे हुआ, किस तरह आप इसमें आए? मसीकी से मुझे लगाव ऐसे था कि जो वॉइस थी मेरी, आवाज़ थी मेरी, वो मुझे गॉड गिफ्टेड थी। उसके अलावा मैंने अच्छे उस्ताद को सुना तो उनको देख देख के मुझे शौक पैदा हुआ। सबसे पहले मैंने वालिद साहब को, अपने पापा जी को देखा कि वो बहुत अच्छी प्रस्तुति करते हैं, वो गाते भी हैं। उनको देख के मुझे शौक पैदा हुआ। और इस लिहाज से आपके जो पहले उस्ताद है आपके वालिद साहब हैं मसीकी में? जी जी जी। अच्छा, तो इसके अलावा भी आपने किसी उसके उस्तादों से सीखा है और उस्तादों से भी? जी जी जी। इसके अलावा मैं काफ़ी अच्छे उस्ताद से मैं लेसन लेता रहा हूँ और मेरे टीचर हैं, उस्ताद जी हैं, वो उस्ताद महफूज खोकर साहब हैं जी। उनसे मैंने इब्तदाई तालीम म्यूज़िक की उनसे हासिल की। तो आज हमारे नाजरीन को आप कौन सा गीत जो है वो सुनाएंगे? तो शहरी, आज हमारे नाजरीन को आप कौन सा गीत जो है वो सुना रहे हैं? जी, मैं आज गीत आपको, ऑडियंस को मैं गीत वो सुनाऊंगा, जीवन नूर निखारा आ के दर तेरे, तेरा शुक्र गुजारा आ के दर तेरे। बहुत अच्छी। तो आए नाज़रीन, हम अपने भाई शहरी से एक खूबसूरत गीत सुनते हैं जिसका उन्वान है जीवन नु निखारा।
जीवनों निखारा आके दर तेरे, जीवनों निखारा आके दर तेरे, जीवनों निखारा आके दर तेरे, तेरा शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा आके दर तेरे, आके दर तेरे, जीवनों निखारा आके दर तेरे, तेरा शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा आके दर तेरे, आके दर तेरे, जीवनों निखारा आके दर तेरे। जिंदगी ते जिंदगी दिया खुशियां तेरिया सब अतावा, जिंदगी ते जिंदगी दिया खुशियां तेरिया सब अतावा, क्यों ना तेरे दर ते रब्बा लावा अपनिया सावा, लावा अपनिया सावा अपना आप सवारा आके दर तेरे, अपना आप सवारा आके दर तेरे, तेरा शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा आके दर तेरे, आके दर तेरे, जीवनों निखारा आके दर तेरे। बाबा माबा गावा दा बाबा माबा गावा दा निसा बाबा दा निसा माबा दा निसा माबा दा निसा, जीवनों निखारा आके दर तेरे, जीवनों निखारा आके दर तेरे। मैनू माफी मैनू बरकत मैनू देव शफावा, मैनू माफी मैनू बरकत मैनू देव शफावा, क्यों ना तेनू रब रब आखा सब देवे जो चावा, सब देवे जो चावा सुबह शाम पुकारा आके दर तेरे, सुबह शाम पुकारा आके दर तेरे, तेरा शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा आके दर तेरे, आके दर तेरे, जीवनों निखारा आके दर तेरे। Ma ga ma ba da ma ga ma ba ma ga re sa ni re ga ma ba ni re ga ma ba ni re ga ma ba, jeevan nu nikhara aake dar tere।
तेरे जीवन नून करा तेरे सुख आवे बस मल्ला तेरिया रावा दुख आवे या सुख आवे बस मल्ला तेरिया रावा क्यों ना तेरे नावे रब्बा नावा अपनिया सावा अपनिया सावा कदी ना हिम्मत हारा आदर तेरे कदी ना हिम्मत हारा तेरे तेरा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा आके दर तेरे आके दर तेरे जीवन नून करा आके दर तेरे निरे गामा भावा करे गामा दानी रेनी धावा गामा दानी सा गामा दानी सा गामा दानी गामा दानी सा गामा दानी सा गामा दानी गामा दानी सा गामा दानी सा गामा दानी सा जीवन नून करा तेरे जीवन नून करा अगर तेरे अगर तेरे अगर तेरे अगर तेरे थैंक यू। तो नाज़रीन अभी आए हम अपने भाई जवेद रज़ा से बात करते हैं जो कि एक बहुत अच्छे तबला नवाज हैं और अभी आपने एक खूबसूरत गीत के ज़रिया से भी उनकी इस परफॉर्मेंस को देखा है। तो हम अपने भाई जवेद रज़ा से बात करना चाहते हैं कि आपको तबले का शौक़ जो है वो किस तरह हुआ और तबला बजाकर आपको कैसा लगता है। मसीह में आप सबको सलाम। एक्चुअली मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था तबला प्ले करने का, तो मैंने स्टार्ट अपना चर्च से लिया ताकि मैं खुदावन की शुक्रगुजारी में खुदावन के जलाल के लिए अपना तबला प्ले करूं। तो चर्च वगैरह में सबसे पहले मैं खातून मुबारक मरी रोड से स्टार्ट लिया मैंने, तो बहुत सारे टीचर मुझे मेरी लाइफ में मिले लेकिन बस ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। फिर लाल कुर्ती चर्च में, फिर सेक्रेड हार्ट में, फिर आस्ता आस्ता करते करते खुदावंद से मैंने दुआ की कि खुदावंद मुझे कोई ऐसा टीचर मिल जाए जिससे मैं परफेक्ट तरीके से सीख सकूं और मज़ीद खुदावंद के जलाल के लिए अच्छा काम और अच्छा तबला प्ले करूँ। तो आस्ता आस्ता मैंने इम्प्रूवमेंट की तबले की और अभी मैं मतलब कि प्रोग्राम्स वगैरह भी करता हूँ। मेरा प्रोफेशनली तबला है और मजहबी बेस पे भी मैं प्ले करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी मैं करता हूँ और रेडियो टीवी का भी काम किया। इसके बाद मैं दुबई में चला गया, बहुत अच्छे सिंगर्स के साथ मैंने प्ले किया है और मोहम्मद अली साहब, तहमीना है और सैमी हंस साहब हैं लाहौर से और कराची से, काफ़ी अच्छे सिंगर्स आते थे उनके साथ प्ले किया। तो इसके अलावा जहाँ जहाँ मुझे खुदावन ने इस्तेमाल किया मैं जाता रहा, शिफाया कन्वेंशन पे जाता रहा हूँ, चज में, इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा किए हैं। तो मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने जलाल के लिए ये मौका फ्राहम किया और मेरे जो टीचर हैं वो बहुत ही कमाल और बहुत ही अच्छी हस्ती हैं।
तो उनका नाम है मियां नबी बख्श कालरे वाले। मैं उनके बेटे खलीफा अरशाद अली का शागिर्द हूँ, तो परफेक्ट मैं इसको बजा रहा हूँ। कम से कम मैंने तालीम हासिल की है कोई 12-14 साल, फिर थोड़ी स्ट्रगल की है, मेहनत की है, करते करते यहाँ आज मैं आपके सामने अपना खुदावंद के जलाल के लिए तबला प्ले कर रहा हूँ। मेरे अंकल हैं, ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आपको कोई सपोर्ट ना दे। तो मुझे सपोर्ट तो मेरे वालिद साहब, वो तो गाना बजाना नहीं करते, वो कोई और जॉब करते हैं, लेकिन बेसिक जो मेरे चाचा जी हैं जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट की है, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इन्होंने साथ साथ मुझे टीच किया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। डांट भी मारते थे, समझाते थे हर तरीक़ाकार से। तो एंड फिर बहुत अच्छे टीच कि क्यों ना मैं उनका शागिर्द हो जाऊँ। तो इन्होंने कहा कि फिर देर क्यों कर रहे हो बेटा, जल्दी से हो ताकि खुदा उनके जलाल के लिए आप और अच्छा प्ले करो कंपटीशन में, चर्च में, क्वायर के साथ। तो जो भी सीखा फिर इनके साथ मेरी अटैचमेंट रही, अभी तक बचपन से ही मैं इनके साथ अटैचमेंट हूँ। तो खुदा उनका मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि अभी तक इनकी सपोर्ट है। ऊपर खुदावंद है, नीचे मेरे उस्ताद जी हैं, उसके बाद ये मेरे चाचा जी हैं, तो अभी तक इनका साथ है और खुदा उनके जलाल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी हमने अपने भाई जवेद की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह उनको भी बचपन से ही मौसीकी से और ख़ास तौर पर तबले से लगाव था कि वो तबला बजाएं। तो ये खुदावंद की एक ब्लेसिंग है, बरकत है, कि जिस तरह पाकलाम में लिखा है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन पाकरू एक ही है। तो कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई सरंगी बजाता है, कोई जो है कीबोर्ड बजाता है, कोई गिटार बजाता है। तो ये जितने भी साज हैं या साजंदे हैं, ये सब खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हैं। बेशक मौसीकी में हम जो है वो दुनियावी मौसीकी भी है, क्लासिकल मौसीकी भी है, और बहुत सी मौसीकी की बेशुमार किस्में हैं, लेकिन सबसे अव्वल दर्जा जो है वो खुदा की स्ताइश और प्रस्तिश है। जिस तरह आसमान पर फरिश्ते और मकसिन खुदावन को कदूस 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 कहकर पुकारते हैं, इसी तरह ज़मीन पर हम इंसान मुख्तलिफ साजों से और आवाज़ों से खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। जिस तरह ज़बूर नवीस दाऊद बादशाह यरूशलम की वादियों में खुदावन की प्रस्तिश करता था और मुख्तलिफ साजों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता था। तो आए हम खूबसूरत गीत सुनते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भी नहीं नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं हो के उससे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं हो के उससे जुदा।
भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर। फज्ल कर तू अता मैं तो कुछ भी नहीं, फज्ल कर तू अता मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। उसका रास्ता अगर से बड़ा तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। उसका रास्ता अगर से बड़ा तंग है, उसका रास्ता संग है, उसका रास्ता अगर से बड़ा तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है। वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं, वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे।
होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा नाज़रीन। आज आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुने, खुदावंद की प्रस्तुति सुनी और मेरा ईमान है कि इन गीतों के वसीला से, इस सारी हमदोस्ताइश के वसीला से आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिली होगी। तो अभी हमारे जो आज के सच्चे परस्तार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम इनके लिए, इनके ख़ानदान के लिए, इनके घराने के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो अपनी आवाज़ों के ज़रिए से, साज़ों के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। हमारा ईमान है कि ये इसी तरह ईमान में, दुआ में, कलाम में, खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ते चले जाएं और दूसरों के लिए तब्दीली का बाइस ठहरें। तो हमारे भाई सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, तो सलीम साहब आपको खुदाम की हमदोसना करके, उसकी स्ताइश और प्रस्तुति करके कैसा दिली तौर पर कैसा महसूस होता है? पहले तो शुक्रगुजार हैं जी हम जेनेसिस टीवी वालों के, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब ये स्टार्ट लिया है और बड़ा अच्छा प्रस्तुति के प्रोग्राम्स चलते हैं, हम देखते हैं और लोग शफा पाते हैं, सुनते हैं। बड़ी अच्छा उन्होंने मतलब ये स्टेप लिया है, हम बहुत खुश हैं। इसी तरह लोग तरक्की करते जाएं, सुने, देखें और खुदावंद की बरकत उन्हें मिले। ये बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम आपका चल रहा है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, सच्चे परस्तार प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम जो हमारे मसीही गुलूकार हैं, जो मुख्तलिफ़ चर्चिस में या मुख्तलिफ़ एल्बम में गीत गाकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, उनको प्रमोट करना, उनके टैलेंट को आपके सामने लेकर आना और सबसे बढ़कर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। हम अपने तीनों इन परस्तारों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, भाई सलीम के लिए, शहरी रज़ा के लिए और जवेद के लिए, रज़ा के लिए, कि प्यारा खुदा इन सब को बरकत दे और आप सब को भी, आपके ख़ानदानों को बरकत दे जो जेनेसिस टीवी देख रहे हैं, कि आप इस जेनेसिस टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और खुदा के कलाम को और उसकी सच्ची प्रस्तुति को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का वसीला ठहरें। तो खुदा आपको, आपके घरानों को बरकत दें। तो हमारे साथ रहिएगा और जेनेसिस टीवी देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।